मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। आज भोपाल में पीसीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह ने बताया कि भिंड में उनकी पार्टी के एक कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो चुनाव में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट क्यों बना। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड की लहार विधानसभा से वर्तमान बीजेपी विधायक पर कांग्रेस कार्यकर्ता को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का खुला आरोप लगाया है। गोविंद सिंह ने कहा है कि इन मामलों में कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, पुलिस कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार करके प्रताड़ित कर रही है, फिर जेल भेज रही है, जमानत आने के बाद भी झूठे केस कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि यह अत्याचार दमन प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है, इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही जन आंदोलन करेगी। जहाँ तक सवाल बीजेपी से है, मैंने पत्र भेजे, फोन बार कई बार फोन उनको नोट करा है, मोबाइल नंबर लगाया है। बीजेपी ने तो छोड़ो, पुलिस अधीक्षक ने भी कह दिया है सभी थाना प्रभारियों को और खुद फोन नहीं उठाना है। अब जहाँ डीजीपी जहाँ बेदर्द हाकिम हो फरियाद क्या करना है। अगर डीजीपी सुन ले, डीजीपी को लगातार शिकायतें कर रहे हैं और डीजीपी सुनने को तैयार नहीं, कोई का एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो क्या क्या डीजीपी आपको नहीं लगता अगर बीजेपी या बजरंग दल या किसी भी दूसरे संगठन के कार्यकर्ता के साथ नेता के साथ मारपीट होती है? आज या कल में हो जाएगा। अभी तो अमरवाड़ा में जो उम्मीदवार घोषित हुआ है वो 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है और उनकी माताजी 3 बार पहले कांग्रेस की विधायक रही है। बहुत पारंपरिक कांग्रेस परिवार है वो, तो अमरवाड़ा में तो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के ही लड़ेंगे। क्यों डॉक्टर, ये कैसी राजनीतिक संस्कृति चालू हो गई है? आप सोचिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए और 22 उम्मीदवार जो कांग्रेस से भगे थे वो बीजेपी से लड़े उपचुनाव में, और उसके अगेंस्ट में जो 22 उम्मीदवार लड़े कांग्रेस के, यानी पूरे 44 के 44 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ रहे थे। अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बुधनी को छोड़कर अगर थोड़ी भी लज्जा है इन दो विधायकों में, और अगर विधानसभा अध्यक्ष को ये सत्र के समय इस्तीफा देते हैं क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जो 3 उपचुनाव होंगे इन तीनों में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ेंगे। मैं एक बड़ी सूक्ष्म वैचारिक धरातल की बात कर रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, एक आइडियोलॉजिकल कन्वेक्शन है, या टिके एक विचार पर टिके रहने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी है, आप स्वयं कल्पना करें। लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी से कांग्रेस देखिए, कोई कहीं जाता है ना तो वो अपने स्वभाव से जाता है, उसका ये स्वभाव है, और जिसका इस तरह का नेचर हो जाता है उसको कोई इस तरह की ब्रेन की कंडीशनिंग नहीं हो सकती कि उसको बदला जा सके, आप समझिए। और ये भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध, लोभ, लालच और लंबे समय तक संघर्ष नहीं करने की इच्छा, ये तमाम चीजें और कारण इसके पीछे होते हैं कि आदमी एक अपनी विचारधारा को छोड़कर एक लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर चलते बनता है। वो हुआ